नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सामान्य प्रबंधन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 6। भाग 1 से लेके 5 तक के जो सामान्य प्रबंधन के वीडियो हैं वो हमने पहले ही अपलोड किए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ कंप्यूटर से संबंधित और मध्य प्रदेश से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध होंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्यवहारवादी विश्लेषण संबंधित है। ऑप्शन है सीखना, अभिव्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण या व्यक्तित्व। तो जो व्यवहारवादी विश्लेषण है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहारवादी विश्लेषण संबंधित है व्यक्तित्व से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अब्राहम मास्लो, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी थियोडोर लिविटट या ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया था अब्राहम मास्लो ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम मास्लो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विपणन निकट दृष्टि अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए फिलिप कोटलर, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी थियोडोर लिविटट या ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो विपणन निकट दृष्टि अवधारणा को विकसित किया है थियोडोर लिवी टट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक कंपनी द्वारा रखी जाने वाली उत्पादन रेखा को कहते हैं, उत्पाद रेखा को क्या कहते हैं? उत्पाद विस्तार, उत्पाद मिश्र गहनता, उत्पाद मिश्र आयाम या उत्पाद रेखा लंबाई। तो एक कंपनी द्वारा रखी जाने वाली उत्पाद रेखाओं को उत्पाद मिश्र आयाम कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बाजार उत्पाद और व्यापार के प्रौद्योगिक क्षेत्र का वर्णन करता है, कौन करता है बाजार उत्पाद और व्यापार के प्रौद्योगिक क्षेत्र का वर्णन? ऑप्शन ए कंपनी का मिशन, कंपनी की दृष्टि, या फिर रणनीतिक योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाजार उत्पाद और व्यापार के प्रौद्योगिक क्षेत्र का वर्णन करता है वो है कंपनी का मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंपनी का मिशन। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय है क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय वार्षिक आय, सीमांत आय, कुल आय या औसत आय? तो इसका सही आंसर होगा सीमांत आय। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय सीमांत आय होती है। निम्न में से कौन ई कॉमर्स को सुविधाजनक बनाता है? लोक संपर्क, प्रत्यक्ष विपणन, व्यक्तित्व विक्रय या उत्पाद गुणवत्ता। तो ई कॉमर्स को सुविधाजनक कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष विपणन, ऑप्शन बी। जिस अंश का आंतरिक मूल्य बाजार मूल्य से ज्यादा है उसे कहते हैं, जिस अंश का आंशिक मूल्य बाजार मूल्य से ज्यादा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी न्यूनतम मूल्यांकित, ऑप्शन सी अधिक मूल्यांकित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न्यून मूल्यांकित। तो जिस अंश का आंतरिक मूल्य बाजार मूल्य से ज्यादा है उसे कहते हैं न्यून मूल्यांकित। निम्न में से कौन सी बाजारोन्मुखी मूल्य निर्धारण तकनीक नहीं है? अंतः प्रवेश मूल्य निर्धारण, प्रचलित मूल्य निर्धारण, अनुभूत कीमत मूल्य निर्धारण या शीघ्र नकद पुनर्प्राप्ति मूल्य निर्धारण? तो निम्न में से कौन सी बाजारोन्मुखी मूल्य निर्धारण तकनीक नहीं है? तो उसका सही आंसर है शीघ्र नकद पुनर्प्राप्ति मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी। उद्यमिता संबंधित असफलताओं के लिए कौन सा कारण हो सकता है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उद्यमिता संबंधित असफलताओं के लिए कौन सा कारण हो सकता है? निम्न गुणवत्ता की कच्ची सामग्री, श्रम समस्याएं, उच्च परिव्यय लागत या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कच्चे माल के क्रय और विक्रय के नगद संग्रहण के बीच में जो समय जाता है उसे कहते हैं क्या?
क्या कहते हैं, कच्चे माल के क्रय और विक्री के नगद संग्रहण के बीच में जो समय जाता है उसे उत्पादन चक्र, परिचालन चक्र, नगद चक्र या संगठन चक्र। तो इसका सही आंसर है परिचालन चक्र। किस प्रकार के बाजार में स्पर्धा की स्थिति में एक ही प्रकार के उत्पाद समान मूल्य पर बिना किसी भेदभाव के बेचा जाता है? क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करता हूँ। किस प्रकार के बाजार में स्पर्धा की स्थिति में एक ही प्रकार के उत्पाद समान मूल्य पर बिना किसी भेदभाव के बेचा जाता है? ऑप्शन ए, एकाधिकारिक स्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार या पूर्ण स्पर्धा। तो इसका सही आंसर है पूर्ण स्पर्धा में। एक कंपनी की वितरण रणनीति प्रभावित होगी, किससे प्रभावित होगी? उत्पाद की प्रकृति, उपभोक्ता का लक्षित खंड, मूल्य नीति या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। एक कंपनी की वितरण रणनीति प्रभावित होगी उपयुक्त सभी से, जिसमें उत्पाद की प्रकृति, उपभोक्ता का लक्षित खंड और मूल्य नीति शामिल है। एक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन को कौन सृजित और लागू करता है? एक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन को कौन सृजित और लागू करता है? ऑप्शन ए निदेशक, ऑप्शन बी सलाहकार, ऑप्शन सी मानव संसाधन प्रबंधक या ऑप्शन डी रणनीतिकार। तो इसका सही आंसर है रणनीतिकार। एक संगठन में रणनीतिक परिवर्तन को रणनीतिकार सृजित और लागू करता है। निम्न में से कौन सा अव्यवस्थित जोखिम का उदाहरण है? ब्याज दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम या परिचालन जोखिम। तो इसका सही आंसर है परिचालन जोखिम, जो अव्यवस्थित जोखिम का उदाहरण है। टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूर प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है? समयानुसार मजदूरी प्रणाली, कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। टेलर भिन्नक कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली से संबंधित है। संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है रेखीय प्रोग्रामन में, परिवहन प्रोग्रामन में, पर्ट या सीपीएम में। तो इस संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है रेखीय प्रोग्रामन में। ठीक है, यदि एक बाजार क्रेताओं के विशिष्ट समूहों में विभाजित हो जिन्हें भिन्न भिन्न उत्पाद अथवा विपणन मिश्र चाहिए हो, ऐसे बाजार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाजार लक्ष्यीकरण, बाजार स्थितिकरण, बाजार विभक्तिकरण या बाजार समन्वय। तो इसका सही आंसर है बाजार विभक्तिकरण। यदि एक बाजार क्रेताओं के विशिष्ट समूह में विभाजित हो जिन्हें भिन्न भिन्न उत्पाद अथवा विपणन मिश्र चाहिए हो, ऐसे बाजार के लिए बाजार विभक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? व्यवस्थित जोखिम अथवा वैविध्य योग्य जोखिम के रूप में, अव्यवस्थित जोखिम अथवा वैविध्य योग्य जोखिम, अव्यवस्थित जोखिम अथवा अवैध विध्य योग्य जोखिम या फिर अव्यवस्थित जोखिम अथवा अव्यवस्थित योग्य जोखिम के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवस्थित जोखिम अथवा अव्यवस्थित योग्य जोखिम। W.R. स्प्रिगल ने किस प्रकार की पदोन्नति का वर्णन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। W.R. स्प्रिगल ने किस प्रकार की पदोन्नति का वर्णन किया है? विभागीय पदोन्नति, अंतर विभागीय पदोन्नति, अंतर कारखाना पदोन्नति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। W.R. स्प्रिगल ने विभागीय पदोन्नति, अंतर विभागीय पदोन्नति, अंतर कारखाना पदोन्नति सभी का वर्णन किया है अपने पदोन्नति की परिभाषा में। एक कर्मचारी की पदोन्नति करते समय निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विचारणीय है? यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति करनी है तो किस पर सबसे ज़्यादा विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वरिष्ठता, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी निष्ठा या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो एक कर्मचारी की यदि पदोन्नति करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा विचारणीय होता है
वरिष्ठता और सामर्थ्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। संगठन का सबसे पुराना एवं सबसे साधारण प्रारूप कौन सा है? समिति संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखा संगठन या रेखा एवं कर्मचारी संगठन? तो संगठन का सबसे पुराना एवं सबसे साधारण प्रारूप होता है आपका रेखा संगठन। इसका सही आंसर है रेखा संगठन, ऑप्शन सी। एक ही कीमत पर दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न उत्पादों को एक साथ विक्रय करने को क्या कहते हैं? एक ही कीमत पर दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न उत्पादों को एक साथ विक्रय करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए बंडलिंग, बी डंपिंग, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बंडलिंग। एक ही कीमत पर दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न उत्पादों को एक साथ विक्रय करने को बंडलिंग कहते हैं। भुगतान संतुलन है विदेशी विनिमय आगम, विदेशी विनिमय निर्गम, व्यापार का संतुलन प्लस अदृश्यों की निवल आय, या फिर चालू लेखा का शेष प्लस पूंजी लेखा का शेष प्लस सांख्यिकी विसंगति, या वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात? तो इसका सही आंसर है आपका चालू लेखा का शेष, पूंजी लेखा का शेष प्लस सांख्यिकी विसंगति। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ट के उद्भव से संबंधित नहीं है? लॉक हेड हेयर क्राफ्ट कॉरपोरेशन, पोलारिस परियोजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों ही पर्ट के उद्भव से संबंधित नहीं है। संगठन का यह सिद्धांत कि कोई कर्मचारी एक उच्च अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करेगा कहलाता है, क्या कहलाता है? संगठन का यह सिद्धांत कि कोई कर्मचारी एक उच्च अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करेगा, निर्देशन की एकता, आदेश की एकता, श्रेणी सिद्धांत या नियंत्रण का विस्तार? तो इसका सही आंसर है आदेश की एकता। विगत समय में लगाई लागत और जिस पर मौजूदा निर्णय का प्रभाव नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विगत समय में लगाई लागत और जिस पर मौजूदा निर्णय का प्रभाव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? डूबी लागत, सीमांत लागत, वृद्धिशील लागत या प्रतिस्थापन लागत? तो इसका सही आंसर है डूबी लागत। विगत समय में लगाई लागत और जिस पर मौजूदा निर्णय का प्रभाव नहीं होता उसे डूबी लागत कहते हैं। हार्थोन प्रयोग संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रणाली सिद्धांत से, शास्त्रीय सिद्धांत से, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से या मानवीय संबंध सिद्धांत से? हार्थोन प्रयोग ये संबंधित है आपका मानवीय संबंध सिद्धांत से। एक उपभोक्ता को कतार में प्रवेश करता है और तत्पश्चात इसे छोड़ देता है, उसकी परिभाषा है जोकिंग, वाल्किंग, रेनेजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रेनेजिंग, ऑप्शन सी। कौन सा अनुपात यह स्पष्ट करता है कि लाभांश के रूप में आय का कौन सा भाग वितरित किया गया है? लाभांश माइनस ऋण अनुपात, इक्विटी माइनस ऋण अनुपात, अदायगी अनुपात या आय माइनस अर्जन अनुपात? तो इसका सही आंसर है अदायगी अनुपात। मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है कर्मचारी शिकायत, जॉब प्रोत्साहन, भर्ती एवं चयन, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कर्मचारी शिकायत, जॉब प्रोत्साहन, भर्ती एवं चयन सभी मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित हैं। मानव संसाधन पद्धति एक ऐसा सम्मिलित है मानव संसाधन पूर्ति पूर्वानुमान, मानव संसाधन तालिका, कंपनी योजना या उपयुक्त सभी? तो मानव संसाधन पद्धति में क्या क्या सम्मिलित हैं? उपयुक्त सभी, मानव संसाधन पूर्ति पूर्वानुमान, मानव संसाधन तालिका और कंपनी योजना, ये सभी मानव संसाधन पद्धति में सम्मिलित हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।